द्वारका नई दिल्ली की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। राजधानी दिल्ली का द्वारका सेक्टर 10, जहां पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, वहां अब से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। आज प्रधानमंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं और उससे पहले विधिवत रूप से आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त की तस्वीरें, दीप प्रज्वलन, क्योंकि जो दशहरे का पर्व है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कैसे अंधकार को खत्म कर हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म कर कैसे प्रकाशमान सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहां पर राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 में, जहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से यहां पे पूजा अर्चना की गई मंत्रोच्चारण के साथ। आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र उनको बांधा गया। विजयदशमी का यह पर्व अपने आप में कई संदेश लगातार न सिर्फ समाज को, दुनिया को, बल्कि पूरे विश्व को दे रहा है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। पढ़ते हुए वो जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं और महादेव जिनका आशीर्वाद रहा सदैव श्री राम पर, और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारका श्री राम लीला सोसाइटी की तरफ से सब मोबाइल छोड़िए और हाथ उठाइए और तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए इस देश को, पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले, इसका मान वर्धन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियां वहीं से खड़े होकर बजाइए और आप तक उनकी ऊर्जा स्वयं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो स्वयं केदार के भक्त हैं और वो आज यहाँ आए हैं हम सबका मान वर्धन करने के लिए। तो इस उद्घोष के साथ आप अपनी जगह लीजिए, जय श्री राम। आप अपने स्थान पर विराजिए जिससे कि हम अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सकें और उनकी ऊर्जा को स्वयं में धारण कर सकें। आज अत्यंत खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन हम सब के लिए, क्योंकि मंच पर वो हैं जिनको कि आप और हम सब नमन करते हैं, जिनको हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं पर हमारी परिवार की माताएं नमो कहती हैं, अर्थात जिनके नाम पे नमन है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर नमन भेजिए अपना, अपने परिवार का, और हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी का भी नमन भेजिए, क्योंकि आज इस दरबार को सजाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। आइए इस रामलीला, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस तृतीय वर्ष में और आयोजन के इस 11वें वर्ष, 11 अंक ऐसा जो प्रसन्नता का सूचक, अभिनंदन का सूचक, प्रेम का सूचक, अभिनंदन का सूचक, प्रेम का सूचक, सगन का सूचक, और सगन देने कौन आए हैं, प्रेम बांटने कौन आए हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन उनके हाथों से जिनको हमने पार्लियामेंट हाउस में भेजा है, जो द्वारका और पूरी पश्चिमी दिल्ली को सांसद के रूप में संभालते हैं, हमारे भाई श्री प्रवेश साहब सिंह जी। विनम्र अनुरोध उनसे कि अपने स्थान से उठें और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन और स्वागत पुष्प के साथ भी होगा और साथ साथ होगा सबसे पहले उस भव्य माला के साथ जिसे पूरी सोसाइटी हमारे द्वारका श्री रामलीला के सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी ने बड़े प्रेम से बनवाया है। तालियां बजाइए और उद्घोष कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और मंच पर जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री आकाश गहलोत जी। और अब पुष्पों के द्वारा स्वागत के पश्चात ये माला मान है हमारा, सम्मान है हमारा, जिसे संभालते हैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा विनम्र अनुरोध हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से कि वे महान नायक इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उस दुशाला के साथ जिसमें उन्होंने श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा का एक खूबसूरत स्वरूप राम का चित्रण करवाया है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। बोलो सियापति राम चंद्र की जय। इस दुशाला को देखिए और जिसके कंधे पर डाली जा रही है उनको निहारिए। दुशाला में स्वयं श्री राम का चित्र अंकित है, हाथ उठाकर ताली बजाइए। ये सोच होती है सांसद की। और जो पहन रहे हैं वो स्वयं राम के समान इस धरा पर अन्याय का नाश करते हैं और सत्य की विजय करने के लिए हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। विशेष अनुरोध श्री प्रवेश जी से कि पगड़ी बांधकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और अब अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जिन्होंने इस पूरी रामलीला का रूप सजाया, हमारे मुख्य संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी श्री राजेश गहलोत जी से विनम्र अनुरोध, जो पूर्व विधायक भी रहे और आज पूरी द्वारका में आपका नाम गूंजता है, श्री राजेश गहलोत जी से अनुरोध कि वे हनुमान जी की गदा और आप नाम लीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान जी की गदा एवं शॉल भेंट करें। अब विशेष अनुरोध उनसे जिनके शब्दों को मैं यहां मंच से बोलती हूं, यहां गीतकार गाते हैं और जो पूरी इस लीला का स्वरूप रचते हैं, अर्थात हम सबके डायरेक्टर महोदय श्री राजीव सोलंकी जी से विनम्र अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विशेष अनुरोध श्री सुखबीर शौकीन जी संरक्षक महोदय द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की गदा एवं गिफ्ट भेंट कर पुनः पुनः स्वागत करें। और आपके हाथ की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अनुरोध कि मंच पर वे तिलक करें उनका, जिनके लिए आज विजयदशमी का यह त्योहार मनाया जाता है। यस, आई थॉट समवन सेड ओके। हमारा विशेष अनुरोध श्री नागेंद्र सोलंकी जी से संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब तालियां बजाते रहिए मन से।
हमारा विशेष अनुरोध श्री हंसराज गोयल जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब ताली बजाते रहें और स्वागत हम श्री मुकेश गर्ग जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विशेष अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध श्री अर्चित गर्ग जी से कि वे जो संरक्षक हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी भेंट कर उनका स्वागत करें सम्मान करें और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान किया श्री प्रवेश वर्मा जी श्री राजेश गहलोत जी श्री राजीव सोलंकी जी श्री गजेंद्र नागेंद्र सोलंकी जी हंसराज गोयल जी मुकेश गर्ग जी। अब विनम्र अनुरोध श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें एवं गणेश जी की मूर्ति भेंट करें। संरक्षक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी जोरदार तालियां। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट करें। श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी आपके हाथ की तालियां क्यों थम जाती हैं? आपके प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं निहार रहे हैं प्रेम भेज रहे हैं तो आप उत्साह भेजिए। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से और अब इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विनम्र अनुरोध कि आप प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं रामायण अर्थात जिसका मंचन हमने यहां किया उसे भेंट कर हम सबका मान वर्धन करें। जोरदार तालियां। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी और इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी। विशेष अनुरोध अब श्री पवन अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विशेष अनुरोध डॉक्टर कमाल ए खान संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करें। डॉक्टर कमाल ए खान आगे बढ़ते और तालियों की आवाज जरा बुलंद। विशेष अनुरोध श्री हरिओम गर्ग जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और वो देख रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं उठाइए हाथ आपके लिए वो पूरी धरा पर जाकर हमारे मान को बढ़ाते हैं। और अब विशेष अनुरोध श्री वेद प्रकाश टंडन जी संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। श्री वेद प्रकाश टंडन जी जोरदार तालियां। और अब हम एक छोटी सी बिटिया को बुलाएंगे कोपल। उसने स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी का चित्र बनाया है और वो चाहती हैं कि वे उसे भेंट करें और आपके हाथ की तालियां। बेटी आई है मंच पर। नवरात्र आपने कल तक मनाया और जब हमारी बिटिया आए तो आपके हाथ की तालियां कैसे रुक गईं? एक बार जोरदार तालियां और नारा दीजिए आवाज दीजिए जय जय श्री राम जय श्री राम। कोपल बिटिया से अपना ही चित्र लेकर मुस्कुराते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारा आपसे विशेष अनुरोध कि कृपया सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आप हमारे यहाँ श्री राम लखन और माता सीता का तिलक कर हम सबको प्रेरणा दे कि हम सबका चरित्र श्री राम की भांति होना चाहिए। अनुरोध मंच पर हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेश गहलोत जी हमारे सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर और देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्थल पर अपने शूज उतारे और बढ़े वो उस मंदिर की तरफ। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए उनका। ये होता है बड़ों का सम्मान कि नाम जहां भी हो श्री राम का उदय घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सबके लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गईं? वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ जाते हैं और वहां पर 3 दिन अपना विचरण देते हैं तो दिखाते हैं कि वो महादेव जिस तरह विष का पान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं हर एक आफत को अपने सीने पे लेने के लिए। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब जिस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच श्री राम और रावण के युद्ध का। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध, युद्ध में क्या हुआ और क्या होगा। आइए जोरदार घोष के साथ आज की लीला के साकरी दृश्य का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम और रावण का युद्ध यहां पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये एक तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाए, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहां पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सीते, अब वनवास की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। अब मेरी संध्या का समय हो गया है। जी लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम की पंचवटी में अचानक आए दूर पड़ा था हृदय दार
हे सुंदर युवक, आपका अभिनंदन। मेरे दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष हैं या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप कौन हैं? मैं आप राम तो मैं राम कली हूं। राम देवी, अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की एक लौती बहन और पूरे साम्राज्य की स्वामिनी। मेरा नाम है शूर्पणखा, शूर्पणखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ, भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती, उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ अकेला है ना? हाँ, इस समय तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक, क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं हूँ। तो क्या हुआ, तुम यहाँ तो अकेले हो ना? भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण
और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस दंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे दंडक वन पे राज करेंगे। और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ वीर कुमार, और प्रति उत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी हूँ। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया। तो तुम कौन हो? आपकी सुंदरता प्रस्थान करें। राम ये कौन है? राम देवी, ये मेरी भार्या सीता है। जब तक ये अपूर्व सुंदरी वन में है, ये दोनों मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इनको अपना असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह सुर प्रथा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। लक्ष्मण सावधान। बात पैदा करता है। नहीं,
अपने घर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो सूर्पनखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया, अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई माँ सीता उस पर। स्वर्ण मृग के पीछे, तो वहीं हरण हुआ माता सीता का। और माता सीता को वापस लाने के लिए आज हम इस अंतिम दिवस, अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। और अंतिम चरण है श्री राम और रावण का युद्ध। युद्ध ऐसा कि सबके मनोभावों को हिला दे, और आधार ऐसा कि कहीं भातृ प्रेम झलकता है तो कहीं अन्याय को समाप्त करने की छवि। आइए राम और रावण के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। रावण लंकापति दशानन, जिसके 10 शीश, जो वेदों का ज्ञाता है, जो शस्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जब वो आता है तो क्या होता है? दशानन वो जो ऋषि पुलत्स्य का वंशज है, दशानन वो जो माता कैकसी और ऋषि विश्वरवा की संतान है मंच पर। और अब जब रावण आते हैं सबके समक्ष, तो वो दिखाते हैं स्वयं को शिव भक्त का स्वरूप। वो लंकापति दशानन शिव की अर्चना, शिव की आराधना करते हुए। कदम तलक रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही
त्रिलोक नाचने लगता है। यम कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पत्नी भरता है। हे महादेव, यदि आज आप भी राम के पक्ष में है तो भी रावण झुकेगा नहीं। मरते मर जाऊंगा परंतु अपना युद्ध निरंतर रखूंगा। मैंने ये पदवियां ये शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ में प्राप्त नहीं की, अपने तप बल से प्राप्त की है। इतिहास रावण के नाम को सर्वथा याद रखेगा। ये अमित गौरव गाथा लिखी जाएगी इतिहास में कि संसार की सारी दैवी शक्तियां मिलकर भी जीते जी रावण के सीता को मुक्त नहीं करा पाई। इस राम ने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण को मारा, पाली को एक व्याज की भांति छुपकर फाड़ मारा। आज मैं सबके पैर चुका दूंगा। मैं इसे बताऊंगा प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। ओ तो तू यहां छिपा है, यदि आज तू मेरे भाई से भाग न गया तो मैं तुझे रसातल में गाड़ दूंगा। रावण, ये पापों का घड़ा भराया है जो तूने सोए हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं रघुवंशी हूं तो तेरा वंश मिटा दूंगा। कह रहा हूं कदम खाकर धनुष की बाण की धर्म सम्मान की आंध है वंश की सौगंध कुल के मान की जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरे जान की दो बचाने का संकल्प ब्रह्मांड चल चलाएगा। राम के हाथों से फिर भी न बचने पाएगा। अरे ओ वनवासी, आज मैं तेरे सारे पैर चुका दूंगा। आज तुझे बताऊंगा कि तेरा सामना संसार के मानतम बलशाली लंकेश्वर से हो रहा है। अधिक अभिमान ठीक नहीं रावण, और युद्ध कर। राम, तुझको ये ज्ञात नहीं थी मैं काल जीत मत वाला हूँ। जिसको काटे का मंत्र नहीं ऐसा ऐसा भुजंग विशाला हूँ। आप तुझे मेरे इन बाणों से तुझे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे। ओ मौत के खरीदार, आ और अपना पराक्रम दिखा। मैं भी देख तुम बॉर्डरों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था। आज तुझे बचाने पल क्या है। जय श्री राम। Thank you.
किस तरह श्री राम ने उस अन्यायी लंकापति दशानन का वध किया। और एक बार जोरदार आवाज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब जिन्हें हम मंच पर सुनेंगे वो इस देश से अन्याय और असत्य को मिटाने के प्रतीक माने जाते हैं। हम सबके दिलों पर वास करने वाले, हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र अनुरोध, और आपके हाथ की तालियां जोरदार बजनी चाहिए कि वे हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें जीवंत करें। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है, अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देही सौभाग्य आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही विशो जही। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य आरोग्य सुख विजय और यश के लिए की जाती है।
भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और INS विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी, अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहू फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुण होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है।
नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस वृत्त विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है, विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, यानी
जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया, हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी सेहत को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और दसवां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। सबका विकास होगा तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभी सी नगर कीजे सबका जा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े, हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं, इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब जिस क्षण की प्रतीक्षा में हम सब, अर्थात अन्याय का दहन, रावण का दहन, उस व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि, और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक है अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का, और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं, और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक है, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक है, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक है, अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां, जय जय,
जय